नमस्कार, टेंशन फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते, आई एम कैलाश रतन, सीईओ टेंशन फ्री क्लासेस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सबसे ज्यादा मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम बहुत खुश हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो दिन है हिंदुस्तान की एक एक बच्ची का दिन है, आज का जो दिन है हिंदुस्तान की एक एक बालिका का दिन है। क्योंकि आप बोलोगे, सर क्या है आज हिंदुस्तान की एक एक बच्ची का दिन क्यों है, क्योंकि आज तो वुमेन्स डे तो है नहीं, फिर आप इतना क्यों खुश हो रहे हो? इसके लिए खुश हो रहे हैं क्योंकि आज ही एक हमारी 18 साल की बच्ची, स्टूडेंट ऑफ 18 ईयर, कुमारी सत्परना चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शी हैज बीन सिलेक्टेड बाय द नासा। आज हमारी 18 साल की एक छोटी सी बच्ची जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल से है, उनको नासा ने अपने प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क के लिए सिलेक्ट किया है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैंने वैसे भी आपको हमेशा कहा है, मैं हमेशा स्पीचेस में कहते रहता हूँ कि जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज से किसी भी काम में कम नहीं है। वो आज फिर प्रूव हो गया। पहले सुनीता विलियम्स ने हमारा हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का नाम नासा में रोशन किया, उसके बाद कल्पना चावला ने, और अब सत्परना चैटर्जी की वाड़ी है। अब जो सत्परना चैटर्जी है रिसर्च वर्क करने जा रही हैं, और हम सभी की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देती हैं। और मेरे प्यारे बच्चियों, ये आपके लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। देखिए, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और अब जो ये छोटी बच्ची है सत्परना चैटर्जी, ये चलते फिरते रोल मॉडल्स हैं किसी भी काम में। मैं हमेशा कहता हूं, जो नारी है, जो हमारी बच्चियां हैं और जो लेडीज हैं, किसी भी काम में, किसी भी बात में पुरुषों से कभी भी कम नहीं है। तो आज का दिन है हम, और ये अभी अब जो मैं आगे बात आपको कहने वाला हूं वो सभी पेरेंट्स के लिए है। हमने टेंशन फ्री क्लासेस में बहुत देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बॉयज के लिए तो अच्छी खासी फीस देते हैं लेकिन गर्ल्स को कम पढ़ाना चाहते हैं। पर्टिकुलरली जब बच्चियां टेंथ पास करती हैं तो उनको ज्यादा करके कॉमर्स के लिए कहा जाता है, आर्ट्स के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलरली मेडिकल में, साइंस में नहीं भेजा जाता है। रीजन क्या है? रीजन यही बताया जाता है, देखिए बच्चियां तो पराया धन है, आज नहीं तो कल चली जाएंगी। भाई साहब, डॉक्टरी में तो ज्यादा पैसे लगते हैं, डॉक्टर बन के क्या करेंगी? इंजीनियर तो फिर भी कुछ बच्चियां बन जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डॉक्टर के लिए शॉप चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इतना पैसा खर्चा करके फायदा नहीं है, जाके ससुराल को सब कमा के देगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वी शुड ट्रीट विथ इक्वल राइट्स टू बोथ गर्ल्स एंड बॉय। हमको दोनों को एक ही चांस, एक ही टाइप का चांस देना है। कभी भी हमको we should not discriminate between the boys and the girls. और मैं आपको बताऊं, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी प्यारी बालिकाओं, आज आपका दिन है। एक 18 साल की छोटी सी बच्ची जब नासा में सिलेक्ट हो सकती है, तो आप भी कोई भी काम कर सकती हो, और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं। वैसे भी हिंदुस्तान में मैंने देखा है, आपको पता है, कम से कम 100 रुपए में से 30%, more than 30% जो हमारा पैसा है, हमारी तीन लेडीज संभालती है। आप बोलोगे, सर आप क्या बात कर रहे हो, 100 रुपए में से इंडिया का 30% पैसा या 25% पैसा कौन संभालती है? तीन लेडीज संभालती है। कौन? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी हेड कौन है? उनकी हेड है एक लेडीज। और उसके बाद एक्सिस बैंक की हेड भी है एक लेडीज। और उसके बाद एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैंक ऑफ इंडिया, उनकी हेड भी एक लेडीज है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेड है मैडम चित्रा रामकृष्णन, वो भी एक लेडी है। तो मैंने आपको कहा, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो पैसा संभालने वाली बैंक्स हैं, उसको लेडीज संभाल रही है। तो हमारी प्यारी बच्चियों, आप किसी भी चीज में कम नहीं हो, आप हर एक चीज में बॉयज से टक्कर दे सकती हो। मैं तो कहता हूं, आप उनसे दो कदम आगे ही हो, चार्टर अकाउंटेंसी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, और पर्टिकुलर पेरेंट्स के लिए ये चीज लागू है। देखिए, अगर आपको कभी पैसे का प्रॉब्लम है तो आप बैंक में जा सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसी की बहुत सारी ऐसी
नई नई स्कीम्स हैं, खास करके गर्ल्स के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं बहुत सारे स्टेट्स में, तो 11वीं 12वीं तक फ्री एजुकेशन की गई है गर्ल्स के लिए, फ्री एजुकेशन की गई है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया करके, और खास करके मैंने देखा है हायर एजुकेशन, जब 10वीं 11वीं 12वीं के बाद जो पेरेंट्स हैं बहुत ही हिचकिचाते हैं लड़कियों के लिए पैसा खर्चा करने में, तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। और दूसरी बात, अभी जो सेंसस अभी 2016 चालू है, लेटेस्ट सेंसस जो पॉपुलेशन की अपनी गिनती हुई थी 2011 में, तो हमने देखा था, हमने पूरे चार्ट्स को डिटेल स्टडी किया है, तो पर्टिकुलरली देखा गया है जो अर्बनाइजेशन, जो हम सो कॉल्ड शहरी लोग कहते हैं शहरी लोग, लेकिन मैं आपको एक आज अचंभ करने वाली एक बहुत ही आपको यू विल बी फंड और आप टेंशन में आ जाओगे कि सर आप ये कौन सी बात कह रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ग्रामीण इलाकों में सेक्स रेशो ज्यादा अच्छा है बनस्बत शहरी इलाकों के। इन रूरल एरिया सेक्स रेशो इज मोर गुड देन इन अर्बन एरिया। आप बोलोगे सर सेक्स रेशो माने हर एक हजार जेंट्स के पीछे, हर एक हजार बॉयज के पीछे कितनी लड़कियां पैदा हुई है, तो कम से कम जो रेशो है ग्रामीण इलाके में, फिर भी हजार के पीछे 900 से 910, 920, 925 का सेक्स रेशो आ रहा है, हर हजार के पीछे 900-925 बच्चियां पैदा होती हैं। लेकिन शहरी इलाकों में इन अर्बन एरियाज व्हाट इज हैपनिंग, देयर सेक्स रेशो इज वेरी लेस, एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि कुछ अर्बन सिटीज में तो जो सेक्स रेशो है इट इज लेस देन 900, इट इज वेरी लेस। तो क्या है, जो हम शहरी लोग हैं, जो हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, एक्चुअली हम लोग होशियार नहीं है, वी डिस्क्रिमिनेट, हम जरा जरा सी बात पे हाइपोक्रिटिक हो जाते हैं कि नहीं लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच बात तो यह है, हम सुबह से लेकर रात तक 10 चीजों में वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, हम दोनों में बहुत ही फर्क रखते हैं, और खास करके शहरी इलाकों के लोग, बिकॉज वी आर हाइपोक्रिटिक। आपको बात मेरी अच्छी लगे नहीं लगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये हमारा व्यू है और हमारे पास उसके आंकड़े हैं। मैं आपको सेंसस का जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है 2011 से उससे बता रहा हूं, किसी भी आप सिटी में जाओगे जो अर्बन सिटीज है उसमें सेक्स रेशो बहुत ही कम है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आज सत्यपर्णा चटर्जी ने प्रूफ दिया है, एक और प्रूफ है और एक स्लैब है जेंट्स कम्युनिटी पे कि हम भी कुछ कर सकती हैं। पहले सुनीता विलियम्स थी, उसके बाद कल्पना चावला थी, और आज फिर सत्यपर्णा चटर्जी ने ये प्रूव करके दिखाया। लेट्स प्रे कि हमारी बच्ची हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन करे, एंड आई सैल्यूट यू फ्रॉम माय हार्ट एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट टेंशन फ्री क्लासेस एंड फ्रॉम फुल इंडिया, गॉड ब्लेस यू बेटा। और खाली आपके लिए, एंड यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स, एंड फॉर पेरेंट्स, आप आज के जो भी पेपर से पढ़ सकते हैं, सब जगह सत्यपर्णा छाई हुई है हमारी 18 साल की, शी इज द यंगेस्ट एवर इंडियन टू बी सिलेक्टेड बाय नासा एट द एज ऑफ 18। आई अगेन सैल्यूट यू माय डियर, एंड यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स। टेंशन फ्री क्लासेस एपिसोड नंबर 15 अब यहां समाप्त करते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, और एक सूचना, अभी दो दिन के बाद मुंबई बोर्ड की SSC की परीक्षा स्टार्ट हो रही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल उसके लिए एक डिटेल लेक्चर चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट कम अंडर द स्ट्रेस, यू कैन डू द वंडर्स। स्टिल अभी जो आपके 21 डेज एग्जाम्स के हैं, दे आर मोर क्रूशियल, आप इसमें भी मेहनत करके आराम से पास हो सकते हो। डोंट वरी, आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारा फोन नंबर है 7744823551, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर मोबाइल 7744823551, अवर ईमेल आईडी इज tensionfreeclasses@gmail.com, अवर ईमेल आईडी इज tensionfreeclasses@gmail.com, और हमारा चैनल देखते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा चैनल देखते रहिए और टेंशन फ्री रहिए, और कृपया करके आप हमें फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन है, और कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेंशन फ्री रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, और टेंशन फ्री रहिए। नमस्कार, थैंक यू।